हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ। स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट रिवीजन। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 30 कराएंगे। ओके स्टूडेंट, सभी अपनी बुक ओपन कर लें और क्वेश्चन को समझिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर है जी 8 और क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 480 बल्ब्स इन 8 डेज। हाउ मैनी बल्ब्स इट विल प्रोड्यूस इन 10 डेज एट द सेम रेट। स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक इसकी हिंदी समझ लीजिए। एक फैक्ट्री है और वो 8 दिन में, एक फैक्ट्री 8 दिन में 480 बल्ब बनाती है। कितने दिन में? 8 दिन में, यानी कि 8 दिन में 480 यानी कि 480 बल्ब बना रही है एक दिन में। ओके स्टूडेंट, तो आपको बताना है कि वह फैक्ट्री 10 दिन में कितने बल्ब बनाएगी। ओके, देखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसमें एक के नहीं दे रखा कि भाई एक दिन में वो कितने बल्ब बनाती है ना, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन में एक के एक दिन का कितना प्रोडक्शन है वो निकाल लेना चाहिए, यानी कि एक दिन में कितने बनाती है। जब हमें एक दिन में पता चल जाएगा एक दिन में कितने बल्ब बनाती है, तो स्टूडेंट हम उसके अनुसार 10 डेज के देख लेंगे 10 दिन में कितने बनाएगी। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि जिसमें एक दिन का ना दे रखा हो, ज़्यादा का दे रखा हो, तो स्टूडेंट वे सभी क्वेश्चन पहले डिवाइड होते हैं और उसके बाद में मल्टीप्लाई होते हैं। अगर किसी एक 10 पुस्तक के दाम दे दिए, एक के दिए नहीं और 5 के या 6 के पूछ रहा है, तो स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इस प्रकार के जितने भी होंगे वे पहले डिवाइड होंगे उसके बाद मल्टीप्लाई होंगे। अगर स्टूडेंट आपको एक चीज़ के दाम दे रखे हैं, एक चीज़ का कॉस्ट दे दी, अधिक के पूछ रहा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपको अधिक के दे दिए और एक के पूछ रहा है, 1 के पूछ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखें ताकि विलंब ना हो, तो इसलिए हमने इसकी लैंग्वेज पहले ही लिख ली थी। ओके स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन 30। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस बल्ब इन 8 डेज। एक फैक्ट्री 8 दिन में बल्ब बनाती है 480। इट विल प्रोड्यूस बल्ब्स इन 1 डे। तो वह एक दिन में कितने बल्ब बनाएगी? तो स्टूडेंट एक दिन के निकालने के लिए हम क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, यानी कि 480 अपॉन 8। ठीक है जी, अपॉन का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को डिवाइड करना। स्टूडेंट आप इसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 6 48। अब स्टूडेंट 4 हमने भी 0 प्रिंट डाउन कर लिया, ये रहेगी थी। अगर ऊपर से कोई डिजिट नीचे लाते हैं और फिर भी टेबल अप्लाई नहीं होता, तो स्टूडेंट आंसर में 0 ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता चल गया कि भाई 8 एक दिन में वो 60 बल्ब बनाती है। ओके स्टूडेंट, जब हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 8 दिन में, एक दिन में वो कितने बल्ब बनाती है? 60। तो स्टूडेंट हमें कितने दिनों में देखना? 10 डेज में। इट विल प्रोड्यूस बल्ब इन 10 डेज। वह 10 दिनों में बल्ब बनाएगी, कितने बनाएगी? तो स्टूडेंट जो भी आंसर आएगा उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 60 आंसर आया, तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट, 10 0 0, 10 6 60। ओके स्टूडेंट, 600 आ गया। अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं करना चाहते स्टूडेंट, तो आप इस प्रकार अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, पहले डिवाइड कर दीजिए फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, आपने इसे डिवाइड कर दिया। ओके स्टूडेंट, 60 आ गया। ठीक है जी, अब 60 की और 10 की मल्टीप्लाई कर दी, तो स्टूडेंट 600 आंसर आ गया।
BULBS बल्ब्स आंसर। ओके स्टूडेंट, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले डिवाइड कर दीजिए जो भी आंसर आएगा उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, है ना। अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे मत करना, है ना। अगर ऐसे करेंगे तो आपको ये तो करके देखना ही पड़ेगा, आपका आ जाएगा। ठीक है जी, तो हम इसे क्लियर कर देते हैं। तो आपका आंसर आ गया जी 600 बल्ब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 31। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। इन एन एग्जामिनेशन मोहन गोट 89 मार्क्स इन मैथ। स्टूडेंट एक एग्जामिनेशन, एक परीक्षा थी, उसमें मोहन ने मैथ में 89 मार्क्स प्राप्त किए, 86 इन साइंस, और साइंस में 86, और 69 इन सोशल साइंस, और सोशल साइंस में 69 मार्क्स प्राप्त किए, 71 इन हिंदी एंड 64 इन इंग्लिश। तो स्टूडेंट आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है, अब आपको इसे इसे रीड करने के बाद, इसे समझने के बाद, जो नीचे जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इन्हें आपको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, पहला फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। मोहन गोट ए टोटल ऑफ मार्क्स, मोहन ने टोटल कितने मार्क्स प्राप्त किए। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं स्टूडेंट उसके पास टोटल सब्जेक्ट कितने थे, है ना, और उनमें जो भी मार्क्स थे उन सबको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी कि जोड़ देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मोहन ने देखो, एक तो उसके पास मैथ था स्टूडेंट, MATHS मैथ, जिसमें उसने अंक प्राप्त किए थे जी 89, ठीक है जी, और 86 साइंस में, साइंस में 86। ओके स्टूडेंट, और 69 सोशल साइंस, सोशल साइंस में उसने 69। ओके स्टूडेंट, और इंग्लिश, इंग्लिश में 64, और हिंदी, हिंदी में उसने 71 मार्क्स प्राप्त किए। ओके स्टूडेंट, तो ये इसके पास 5 सब्जेक्ट है स्टूडेंट, और उनके मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, मोहन गोट ए टोटल ऑफ मार्क्स, मोहन ने टोटल मार्क्स कितने प्राप्त किए। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है जी, कर लीजिए, कितने हो गए 9 and 6 15। ओके स्टूडेंट, और 4 and 5 हो गए 20, और 20 और 9 29। ओके स्टूडेंट, 2 के लिए रह गया, है ना, 8 8 16, और जी 16 और 2 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, और 7 37। तो स्टूडेंट हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट थे, हमने जो उनमें
मोहन ने नंबर प्राप्त किए थे उन सबको ऐड कर दिए। उन सबको ऐड करके क्या आंसर आया जी, 379। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे 379 लिख देंगे, ठीक है जी। अब बी वाला देखिए, ही गोट मैक्सिमम मार्क्स इन। स्टूडेंट ये पूछ रहा, मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे अधिक, उसने किस सब्जेक्ट में सबसे अधिक मार्क्स प्राप्त किए, है ना। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 80 मैथ में 89 है, साइंस में 86 है, सोशल साइंस में 69 है, इंग्लिश में 64 है, हिंदी में 71 है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 89 सबसे अधिक है यहाँ पे, है ना। तो और कहे में मैथ में है, तो स्टूडेंट आप यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम मार्क्स जो है वे उसके 89 है, और कहे में मैथ में है, MATHS मैथ्स, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर लेंगे। He got the least marks in। अब पूछ रहा है स्टूडेंट कि लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम, है ना, लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम, उसने किस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स प्राप्त किए। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 64 सबसे कम है और वे इंग्लिश में है, ठीक है जी। तो आप यहां लिखेंगे 64 और यहां पे इंग्लिश, ई एल जी एल आई एस एच, इंग्लिश, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर डी, टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ एंड साइंस इज। स्टूडेंट क्या कह रहा है, मैथ एंड साइंस, मैथ और साइंस में उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए। तो हम क्या करेंगे, मैथ और साइंस के जो मार्क्स हैं उन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है जी। मैथ के कहाँ है जी, ये रहे 89 और साइंस के कितने हैं 86। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 9 और 6 15 कैरी 1, 8 8 16 और 1 17। तो स्टूडेंट कितने हो गए, मैथ और साइंस के जो मार्क्स हैं वे हो गए 175। ओके स्टूडेंट, तो मैथ और साइंस में उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए, 175। अब टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश सोशल साइंस एंड हिंदी। अब स्टूडेंट तीन सब्जेक्ट के टोटल पूछ रहा है, तो कैसे पूछ रहा है, इंग्लिश के, इंग्लिश में स्टूडेंट उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए 64, और सोशल साइंस में कितने किया जी, ये रहे 69, और स्टूडेंट उसने हिंदी में कितने किए 71। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 9 और 1 10, 10 और 4 14, कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 6 कितने हो गए जी 13, 13 और 7 20। तो स्टूडेंट आप यहां लिख देंगे 204। तो इंग्लिश सोशल साइंस और हिंदी तीनों के मार्क्स ऐड करने के बाद क्या आंसर आपका 204। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन जो था आपका कंप्लीट हो गया, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, जो रफ कार्य था इसे हम यहां से क्लियर कर सकते हैं। तो ये रफ कार्य था हमारा, तो इसे हमने क्लियर कर दिया। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार आज क्वेश्चन नंबर 31 के साथ ही स्टूडेंट आपका जो रिवीजन है यूनिट फर्स्ट है ये कंप्लीट हो गई। इसके सभी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 31 तक के हमने आपको करा दिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है स्टूडेंट जो आपका बचा हुआ। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, तो स्टूडेंट उसके लिए आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये चैनल
ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।